पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है यही मनुष्य का अहंकार है यही मनुष्य का भ्रम है ये अमर पंक्तियाँ हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय चिंतन धारा के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कवि माने जाते हैं इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट गांव में श्रीमती मनरूप देवी की कुक्ष से हुआ पिता श्री रवि सिंह जी किसान थे इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वह गांव में हुई माध्यमिक स्तर की पढ़ाई बोरो नामक गांव में हुई इसी विद्यालय से इन्हें राष्ट्रीयता और देश प्रेम की प्रेरणा मिली बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने से इनका पालन पोषण इनकी माता श्री ने किया और बचपन जो है बहुत ही कठिनाइयों से बीता हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मकामा घाट हाई स्कूल से किया 1928 में मैट्रिक उत्तीर्ण करने के उपरांत दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से उन्नीस में इतिहास में बीए ऑनर्स किया पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के पश्चात अगले वर्ष एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हो गए सन 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया लगभग नौ वर्षों तक इसी पद पर वो बने रहे जन संपर्क विभाग में उप निदेशक रहे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपत पद को भी सुशोभित किया भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया है रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय विचारधारा के प्रगतिशील कवि थे दिनकर जी का बचपन और कई शौर्य देहात में बीता जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली बांसों का झुरमुट आम के बगीचे और कांस के विस्तार थे प्रकृति की सुषमा का प्रभाव दिनकर जी के मन पर बस गया शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी बहुत अधिक प्रभाव इनके जीवन डॉक्टर रामसारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं इन्होंने बहुत अधिक उत्कृष्ट सेवा हिंदी साहित्य की परिणामस्वरूप उत्कृष्ट साहित्य सेवाओं के लिए उन्हें विश्वविद्यालय से डिलीट की मानद उपाधि से दिनकर जी को विभूषित किया गया इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला और भारत सरकार ने डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया सन उन्नीस में राज्यसभा के सदस्य भी नामांकित किए गए डॉक्टर दिनकर ने अपने जीवन काल में कविता गद्य लेखन साहित्यालोचन संस्मरण बोध कथाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य के कोष को भरने का प्रणम्य प्रयास किया है इनकी सेवाएं साहित्य जगत में प्रणम्य हैं में प्रशंसनीय है, है। जहाँ तक काव्य का प्रश्न है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी रश्मि रथी हूंकार नीलकुसुम परशुराम की प्रतीक्षा बापू रेणुका रसवंती कुरुक्षेत्र अर्धनारीश्वर आदि काव्य ग्रंथ हिंदी संसार को दिए गद्य लेखन में भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है जैसे संस्कृत के चार अध्याय ये साहित्य जगत की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है धूप छांव, कवि और कविता चिंतन के आयाम आदि इन्होंने साहित्यालोचन पर समीक्षा और समालोचना पर भी कई ग्रंथ दिए हैं जैसे काव्य की भूमिका बहुत अच्छा ग्रंथ है मिट्टी की ओर साहित्य और समाज श्री अरविंद मेरी दृष्टि में संस्मरण संस्मरण में इन्होंने स्मरणांजलि करके ग्रंथ दिया है व्यक्तिगत निबंध और डायरी साहित्यालोचन में काव्य की भूमिका अरविंद मेरी दृष्टि और बोध कथाओं में इनका ग्रंथ प्रसिद्ध है उजली आग वास्तव में राष्ट्रीय विचारधारा के रचनाकारों में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के अतिरिक्त मैथिली गुप्त श्री नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन बाल कृष्ण शर्मा नवीन माखनलाल चतुर्वेदी गोपाल सिंह नेपाली भारतेंदु हरिश्चंद और छायावादी कवियों में जो राष्ट्रीय विचारधारा की रचनाएं देशभक्ति से पूर्ण आई हैं उनमें महाकवि जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना के दर्शन होते हैं वास्तव में दिनकर राष्ट्रीय विचारधारा के सर्वोत्कृष्ट के रूप में माने जाते हैं इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि पद से भी सुशोभित किया गया 24 अप्रैल उन्नीस को वे इस दुनिया से सदा सदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के जाने से साहित्य जगत का दिनकर अस्त हो गया डूब गया रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी राष्ट्रीय काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि थे उनकी रचनाओं में युग जीवन का स्वर गुंजित है वे हिंदी की क्रांति दर्शी कविता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है जनतंत्र का जन्म जिस पाठ पर हम चर्चा कर रहे हैं वह जनतंत्र का जन्म राष्ट्रीय विचारधारा के ओजस्वी कवि दिनकर ने इस कविता के माध्यम से आम जनता में निहित शक्तियों से हमारा परिचय कराया है शासन की बागडोर जनता को सौंप देने का आह्वान करते हुए यह रचना उनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हुंकार काव्य ग्रंथ से संकलित की गई है आइए देखते हैं कविता का प्रथम अंश सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है बातों में यह रचना आजादी के पहले राष्ट्र दिनकर ने लिखी थी तो जनता को शासन तंत्र सौंपने के लिए आह्वान करता हुआ कवि कहता है सदियों से लोगों के मन में सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी सदियों से लोगों के मन में ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुगबुगाहट थी बहुत प्रयास किया जा रहा था कि जो ब्रिटिश राजतंत्र है इसको हटाया जाए और अपने देश को आजादी दिलाई जाए जो केवल यहाँ व्यापार करने आए हैं और व्यापार करते करते वे बादशाह बन गए शाहन साह बन गए उनका पासा पलटता गया वे समय के साथ आगे बढ़ गए आज जनता चाहती है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो समय जो है बदल गया है बहुत आगे बढ़ गया है आज जनता चाहती है कि वे हट जाएं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है वे हट जाएं और जनतंत्र को स्थान दें इस काव्यांश में गुण भाषा सहज और सरल है दूसरा काव्यांश है जनता जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब कभी न कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली ब्रिटिश राजतंत्र को ललकारते हुए जनता कहती है मिट्टी की अबोध मूर्त वही अबोध मिट्टी की तरह है सीधी सादी जनता है जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली जिसने ब्रिटिश राजतंत्र के अनेक अत्याचारों को सहा है किंतु जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे जब ब्रिटिश राज्य उन्हें सांप के समान चूस रहा हो तब कभी न मुंह कभी भी जनता ने मुंह नहीं खोला दर्द सहती रही सहती रही लेकिन अब वह मुंह खोलकर जनतंत्र की मांग कर रही है जनता हाँ वही जनता मिट्टी की अबोध की तरह जाड़े पाले की कशक बहुत पीड़ा झेली है हमेशा सहा है ब्रिटिश राजतंत्र के अत्याचारों को सांप की तरह अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे सांप की तरह इन्होंने भारत की जनता का शोषण किया है इसने मुंह नहीं खोला लेकिन अब वह ललकार करके कहती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति भाषा में प्रवाह दर्शनीय है तीसरा का है जनता अरे जनता हा लंबी बड़ी जीभ की वही कसम जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है जनमत के महत्व का प्रतिपादन इन पंक्तियों में जनता ने बहुत दुख और अत्याचार सहे हैं सौगंध खाकर कवि जनता की वेदना का वर्णन करते हैं लेकिन इतनी त्रासदी सहने के बाद भी उसकी इच्छा को जानना एक रहस्य है गूढ़ प्रश्न है लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है जनता क्या कहना चाहती है क्या कह रही है वास्तव में भारत की जनता अत्याचार और संकटों को चुपचाप सहती रहती है लेकिन कवि कहता है कि अब समय आ गया है उसकी इच्छा को जानकर अब उसकी यही इच्छा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है भाषा प्रांजल और शब्द मैत्री दर्शनीय है सहज सरल भाषा का प्रवाह देखने लायक है अब आइए देखते हैं चौथा काव्यांश मानो जनता हो फूल मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने में अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने में जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में यहाँ पर कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने सीधी सादी जनता का एक दर्शन हमें कराया है दिग्दर्शन कराया है जनता का वर्णन किया है वे कहते हैं कि जनता कोई फूल नहीं है मानो जनता हो फूल जनता कोई फूल नहीं है जिसे जब चाहे तोड़ो सजाओ और जब न चाहो दोनों में सजा कर रख लो उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि जनता बहुत भोली भाली सीधी सादी है वह कोई लेकिन ध्यान रहे वह कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि जिस तरह चाहो उसे बहला लो जब चाहो जनता के साथ खिलवाड़ करो उसे चार खिलौने देकर नहीं बहलाया जा सकता उसे चार खिलौने देकर नहीं बहलाया जा सकता वह सब समझती है यहाँ पर कवि ने शासन तंत्र पर व्यंग्योक्ति के माध्यम से प्रहार किया है भाषा प्रवाहमयी है अब आइए देखते हैं पांचवा काव्यांश लेकिन होता भू डोल लेकिन होता भू डोल बमंडर उठते हैं जनता जब कोपाकुल हो भ्रुगटी चढ़ाती है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो अरे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है तुम सिंहासन खाली करो क्योंकि जनतंत्र की स्थापना होने वाली है कवि ने जनता के क्रोध और उससे होने वाले परिणाम होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है कवि कहता है जब जनता का शब्र टूटता है तब भूडोल बमंडर उठते हैं जनता जब को पाकुल हो भृगुटी चढ़ाती है कहने का भाव यह है कि जब जनता का सब्र टूटता है जनता का धीरज टूट जाता है उस उसे क्रोध आता है तो भयंकर आंधी उठती है और सारा भूमंडल हिल उठता है जनता जब क्रोध से आकुल होकर भवें चढ़ाती है तो तूफान उठ खड़ा होता है शासकों तुम समय के परिवर्तन को पहचानो और तुम सिंहासन खाली करो क्योंकि जनतंत्र की स्थापना होने वाली है इसमें ओज गुण और भाषा ओजस्वी सहज सरल प्रवाहमयी है आइए देखते हैं छठवा काव्यांश हंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है जनता की रोके राह समय में ताओ कहाँ वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है संगठित जनता की शक्ति के महत्व का प्रतिपादन डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने इस काव्यांश में किया है जनता जब संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय देती है तो उसके सामने बड़े बड़े राजमहल भी नहीं टिकते, उनकी नींव जो है उखड़ जाती है वह राजमहल भरभरा जाता है वह राजमहल नहीं टिक पाता उसकी सांसों की तीव्रता मात्र से ही राजाओं के ताज भी हिल जाते हैं जब जनता संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय देती है तो उसके सामने बड़े बड़े राजमाल भी नहीं टिक पाते और उसकी सांसों की तीव्रता उसकी हुंकार मात्र से राजाओं के ताज भी हिल जाते हैं राजपाट सब हिल जाता है समय में इतनी ताकत नहीं है कि वह जनता की राह को रोक सके जनता की रोके राह समय में ताप कहाँ समय भी जनता की राह को नहीं रोक सकता जब वह चाहे संगठित होकर समय की धारा को परिवर्तित कर सकता है अपने अनुकूल सत्ता परिवर्तन कर सकता है इस काव्यांश में भी ओज गुण भाषा सहज सरल बोधगम्य लोक शक्ति के महत्व का प्रतिपादन अब आइए सातवां काव्यांश देखते हैं अब्दों शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं इसमें भी ने, जनता अपने स्वप्नों को कैसे साकार करेगी इसका वर्णन किया गया है अब दो वर्षों शताब्दियों सैकड़ों हजारों वर्ष का जो अंधकार है हजारों सैकड़ों वर्षों का अंधकार अब समाप्त होने वाला है वर्षों सैकड़ों हजारों वर्ष का जो अंधकार है अब वह दूर होने वाला है समाप्त होने वाला है आसमान की खिड़कियां भी जनता की प्रखरता की रोशनी से दहक उठी हैं गुलामी का जो अंधेरा छटने वाला है उसे मिटाने का स्वप्न जनता का है गुलामी का जो अंधेरा अब छटने वाला है उसे मिटाने का जो स्वप्न है वो जनता ने देखा है किसी और ने नहीं और जनता अपने स्वप्नों को साकार कर लेती है क्योंकि जनता ही जनार्दन है इसमें भी ओझगुण भाषा में प्रवाह और तत्सम शब्दावली का प्रयोग दर्शनीय है आइए आठवें काव्यांश को देखते हैं सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा तैतीस कोट हित सिंहासन तैयार करो अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है तैतीस कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो भारत के विराट जनतंत्र का आवाहन भारत में गणतंत्र की स्थापना की भावना विकसित हो चुकी है इसी का प्रतिपादन डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने इस काव्यांश में किया है वे कहते हैं सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। ये विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है गणतंत्र है उसकी स्थापना की भावना जो है वो विकसित हो चुकी है भारत में जनता अपना शासक स्वयं चुनने वाली है क्योंकि वह अपने प्रतिनिधि का चयन स्वयं करेगी यह किसी राजा का नहीं प्रजा का राज्याभिषेक होने वाला है क्योंकि जनता जो है वह अपना राजा खुद चुनेगी स्वयं चयन करेगी अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन के माध्यम से स्वयं वो चयन करेगी तैतीस करोड़ जनता आज अपना स्वप्न पूर्ण करने वाली है भारत की जो 33 करोड़ जनता है आज वो अपना स्वप्न पूरा करेगी आज अपने स्वप्नों को पूर्ण करेगी इसमें अनुप्रासिक छटा ओज गुण और भाषा प्रांजल और प्रवाह देखने लायक है आइए पढ़ते हैं नौवा काव्यांश आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में अरे देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में यहाँ पर कवि ने जनता को ईश्वर के रूप में निरूपित करते हुए मानते हुए वो कहते हैं कि जिसे तुम आरती की थाल सजाए खोज रहे हो ढूंढ रहे हो तुम अज्ञानी और मूरख हो क्योंकि वह ईश्वर मंदिरों महलों और तहखानों में नहीं मिलेगा हमारे जो ईश्वर हैं वे मजदूर हैं किसान हैं यहाँ की सामान्य जनता है जो सड़कों पर गिट्टी पत्थर तोड़ रहे हैं अथवा खेतों और खलिहानों में अपने श्रम स्वेद से इस धरा को सींच रहे हैं वास्तव में वही हमारे भाग्य विधाता ईश्वर है इसमें समाज के विकास में मजदूरों का योगदान उनके महत्ता का प्रतिपादन प्रवाहमयी भाषा में कवि ने किया है ओजस्विता भरपूर है और अब अंतिम दसवां काव्यांश देखते हैं फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है मजदूरों के श्रम की महत्ता का प्रतिपादन कभी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है सोने की चमक अब फीकी पड़ जाएगी राज्य का श्रृंगार अब मेहनत मजदूरों के परिश्रम से होगा फावड़े व हल का महत्व बढ़ जाएगा फावड़े और हल राज दंड बनने को हैं अब फावड़े और हल जो हैं उनकी महत्ता बढ़ जाएगी समय परिवर्तित हो चुका है समय जो है बहुत बदल चुका है उसकी पुकार सुनो फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं और धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है अब दो राह तो समय परिवर्तित हो चुका है उसकी पुकार सुनो रास्ता दे दो राह दो माने रास्ता दे दो क्योंकि सिंहासन पर अब गणतंत्र का आधिपत्य होगा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है अब जनता उस सिंहासन पर बैठेगी जनता के प्रतिनिधि उस सिंहासन पर बैठेंगे गणतंत्र की स्थापना पर बल कवि ने दिया है इसमें अनुप्रास और ओज गुण दर्शनीय है जनतंत्र का जन्म पूरी कविता में ओज गुण है लेकिन ये ओज गुण है क्या सर्वप्रथम हम समझ लें कि शब्द गुण क्या है यह कितने प्रकार का होता है तो शब्द गुण जो है काव्य की आंतरिक शोभा को साहित्य में गुण कहते हैं अब देखिए बाह्य शोभा अलंकार है कविता कामिनी के कलित कलेवर को कमनीय बनाने वाले जो उपादान हैं वे अलंकार हैं लेकिन कविता की आंतरिक शोभा को साहित्य में जब बढ़ाते हैं वे गुण कहे जाते हैं जिस प्रकार आत्मा में शौर्य पुरुषार्थ उदारता त्याग आदि गुण होते हैं उसी प्रकार काव्य में रस का उत्कर्ष लाने वाले गुण होते हैं रस के का उत्कर्ष इन्हीं शब्द गुणों के माध्यम से होता है शब्द गुण जो हैं तीन तरह के होते हैं ओज गुण माधुर्य गुण और प्रसाद गुण ओज गुण जो है उत्साह एवं तेज उत्पन्न करने वाले गुण ओज गुण कहलाते हैं जो इस समूचे पाठ में समन्वित है छाया हुआ है ये वीर रस विभस् रस और रौद्र रस में पाया जाता है जैसे उदाहरण सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज़ पहन इठलाती है अरे दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ओज गुण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है गुण किसी रचना को पढ़ने या सुनने से हृदय और अंतःकरण को आनंद से परिपूर्ण करने वाले जो गुण हैं वे माधुर्य गुण कहलाते हैं माधुर्य गुणों का प्रयोग श्रृंगार करुणा और शांत रस में होता है जैसे चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में तो इसमें जो है माधुर्य गुण होगा प्रसाद गुण जो है रचनाओं में जहाँ सीधे साधे सरल शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ प्रसाद गुण होता है प्रसाद गुण का प्रयोग सभी रसों में होता है बहुत सहज से सहज कविता जैसे कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम करो तो इसमें जो है प्रसाद गुण जो सहज सरल और बोधगम्य भाषा में हो सहजता हो ये सभी रसों में पाया जाता है तो अब आपकी समझ में आ गया कि गुण क्या है और ओज गुण क्या है अब आप देख रहे हैं कि इस पूरी कविता में मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है आइए उसे देख लेते हैं जैसे मुहावरों में ठंडी बुझी राख का सुगबुगाना ठंडी बुझी राख का सुगबुगाना इसका अर्थ होता है जागना वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे वर्षों की दास्ता के बाद जनता में ठंडी बुझी राख की सुबुगाहट होने लगी है इसी तरह से दूसरा मुहावरा है ब्रिगुटी चढ़ाना तो क्रोधित होना जैसे मोहन के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिता की भृगुटी चढ़ गई क्रोधित होना भृगुटी चढ़ गई तीसरा है मुहावरा हवा में ताज उड़ना बहुत सार्थक प्रयोग है राज इसका अर्थ होता है राजतंत्र की समाप्ति गणतंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे इसका प्रयोग हो गया सिर पर मुकुट धारण करना इसका अर्थ होता है राज्याभिषेक करना श्री राम ने विभीषण के सिर पर मुकुट धरा था यह इसका प्रयोग हो गया आरती लिए ढूंढना यह जो पांचवा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खोजना आरती लिए ढूंढने से ईश्वर नहीं मिलते कर्म करने पड़ते हैं। ये इसका प्रयोग हो गया अब छठवा मतलब आखिरी मुहावरा है इस पूरी कविता में जो आया है सिंहासन खाली करना माने सत्ता छोड़ना या शासन समाप्त हो जाना राजतंत्र के सिंहासन खाली करने पर ही जनतंत्र की स्थापना हो सकती है ये इसका प्रयोग हुआ ये तो आप जानते ही हैं कि मुहावरा क्या है ऐसी ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए वो मुहावरा कहलाता है और मुहावरों के छह उदाहरण आपको अभी मैंने बताए इस पाठ में बच्चों कुछ विलोम शब्द भी आप समझ लें पाठ में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका विलोम भी आपको समझना चाहिए वेदना का विलोम होगा सुख वेदना मतलब दुख सीमित उसका विलोम हो जाएगा असीमित। तिमिर तिमिर का अर्थ होता है अंधकार तो इसका उल्टा क्या होगा विलोम क्या होगा प्रकाश तो तिमिर का विलोम हुआ प्रकाश प्रासाद प्रासाद का अर्थ होता है महल राजमहल तो उसका जो विलोम होगा वो होगा कुटीर कुटी, कुटिया अब बच्चों इसमें बहुत सारे सामासिक शब्दाएं हैं तो आप समास तो जानते ही होंगे मैं एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति आपके समक्ष कर रहा हूं आप इसको बहुत बारीकी से समझेंगे समास है क्या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो सामासिक शब्द और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं दो या दो से अधिक पदों के योग को शब्दों के योग को हम समास कहते हैं समास के छह प्रकार हैं पहला है अव्ययी भाव समास जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं जैसे प्रतिदिन यथाशक्ति मरण तो ये यह यहाँ हुआ अव्ययी भाव समास तो द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष परंतु बहुब्रीह समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है अब आपकी समझ में आ गया होगा ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें विग्रह के आधार पर दोनों समासों के अंतर्गत रखा जा सकता है जैसे चतुर्भुज अब चार भुजाओं का समूह यानी द्विगु समास चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह यानी द्विगु समास जैसे पंचवटी पंचानाम बटानाम समाहार संस्कृत में पांच वृक्षों का समूह यहाँ हो जाएगा द्विगु समास अब देखिए चतुर्भुज बहुब्रीह कैसे बन जाएगा ये विग्रह के आधार पर परिवर्तित हो जाता है जैसे चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु यहाँ बहुब्रीह समास हो जाएगा इसी तरह त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शंकर और जब इसे हम द्विगु समास में लेंगे तो तीन नेत्रों का समूह अब आइए अगला है तत्पुरुष समास जब किसी शब्द में पूर्व पद गौर और उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है उत्तम पद प्रधान तत्पुरुष जैसे स्नान गृह स्नान का गृह या स्नान के लिए गृह ये समास विग्रह हुआ जैसे हस्तलिखित हस्त द्वारा लिखित हाथ से लिखा हुआ जैसे राज पुरुष, राज्य का पुरुष राजा का पुरुष तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा अब आता है बच्चों कर्मधारे, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध में भी हो जाता है जैसे विशेषण विशेष है पीतांबर पीला अंबर महाविद्यालय महाविद्यालय नील गाय यहाँ जो है गाय कैसी है नीली है और उपमेय उपमान में जैसे घन श्याम कमल नयन चंद्रमुख बच्चों द्विग समास दिग्व समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष से होता है जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है जैसे पंचवटी है तिराहा है और शताब्दी है चौमासा है और द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं इसमें दोनों पद को जोड़ने वाले अव्यय और या का लोप होता है जैसे च अर्थे द्वंद्व जैसे राजा रानी राजा और रानी पति पत्नी पति और पत्नी हार जीत हार और जीत दाल चावल दाल और चावल रोटी सब्जी रोटी और सब्जी इसके बाद आता है बहुब्रीह समास जिस सामासिक शब्द में आए दोनों ही पद गौड़ होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय का बोध कराते हैं ये तीसरा पद ही प्रधान होता है जैसे नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर दस मुख दस मुख वाला अर्थात रावण चतुर्भुज चार भुजाएं अर्थात विष्णु तो इस तरह से आ, समास जो है आपने अव्ययी भाव समास द्विगु समास बहुव्रीह समास तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास ये छह समास होते हैं इन छबों समासों के बारे में आप और कई उदाहरण एकत्र करेंगे तो आप, आपका की अवधारणा और स्पष्ट हो जाएगी